हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल साहोस ऑफ सॉल्यूशंस पर। तो जैसा कि पिछले कुछ वीडियोज में हम ऑब्जर्वेबल और उसके कुछ मेथड्स को देख रहे थे, और आज जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम ये देखेंगे कि HTTP क्लाइंट क्या होता है। आपने कुछ पिछले कुछ वीडियोज में आपने देखा होगा कि हमने HTTP क्लाइंट यूज किया है इंस्टीड ऑफ HTTP। तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि HTTP क्लाइंट क्या होता है, इसके क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स, और ये कब एंगुलर में आया। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल्स में देखेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आप रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। दोस्तों, HTTP क्लाइंट इज परफॉर्मिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। जैसा आपको पता है कि कोई भी वेब एप्लीकेशन का जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को कौन हैंडल करता है, HTTP। तो वही अब HTTP क्लाइंट इसको परफॉर्म करेगा। मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन कम्युनिकेट विद बैकिंग सर्विस ओवर द HTTP प्रोटोकॉल एंड मॉडर्न ब्राउजर सपोर्ट टू डिफरेंट APIs, राइट। आपको पता ही है दोस्तों कि सारे जो वेब एप्लीकेशन है जो बैकएंड सर्विस से कम्युनिकेट करने के लिए HTTP प्रोटोकॉल को यूज करता है, और आजकल के जो मॉडर्न ब्राउजर हैं दो डिफरेंट तरह के API को सपोर्ट करते हैं। एक पहला तो होता है XML HTTP रिक्वेस्ट इंटरफेस और दूसरा होता है फेच API, राइट। और ये जो HTTP क्लाइंट है दोस्तों, ये HTTP का डिस्प्लेसमेंट है। इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आया हुआ है। पहले अगर हम बात करें एंगुलर 4.3 से पहले की, तो पहले HTTP ही यूज होता था, बट एंगुलर 4.3 प्लस में HTTP इसको को रिप्लेस करके HTTP क्लाइंट लाया गया, राइट। क्योंकि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाया गया और ये HTTP की प्लेस पर ही यूज होने लगा। और इसको हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, ये किस पैकेज में है, तो एंगुलर स्लैश कॉमन स्लैश HTTP पैकेज के अंदर ही है, जो कि एंगुलर का लाइब्रेरी है HTTP, उससे ही हम इसको इंपोर्ट करते हैं, राइट। तो इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होने नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपको तो सब कुछ पता ही है HTTP के बारे में। तो सेम चीज़ है HTTP क्लाइंट, बट इसमें कुछ इम्प्रूव किया जाए, कुछ ऐसे फीचर्स लाए गए हैं जो कि इसको और ही इजीली और रिलायबल बना दिया है, राइट। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि दोस्तों जो HTTP क्लाइंट सर्विस इसमें इंक्लूड हुआ है, जो कि HTTP क्लाइंट मॉड्यूल के अंदर होता है, और ये HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता था कि पहले HTTP सर्विस होता था और HTTP क्लाइंट मॉड्यूल के अंदर, अब इसको HTTP क्लाइंट सर्विस कर दिया गया है। और पहले HTTP मॉड्यूल होता था, राइट, अब HTTP क्लाइंट मॉड्यूल होता है, इसको हमें इम्पोर्ट करना होता है, राइट। तो मीन्स कि आप एक नया सर्विस आया है HTTP क्लाइंट सर्विस। और आपको ये भी बता दें दोस्तों कि अभी सिक्स एंगुलर सिक्स तक तो HTTP को रखा गया था इसके लाइब्रेरी के अंदर। हो सकता है कि आने वाले कुछ वर्जन में 7 8 में जो वर्जन आएगा एंगुलर का, उससे रिमूव भी किया जा सकता है HTTP को, डायरेक्टली HTTP क्लाइंट ही यूज होगा, राइट। अब बात आती है दोस्तों कि इसमें कुछ ऐसे ऐसे एडवांस फंक्शनैलिटी लाया गया है जिससे कि जैसे कि लिसन फॉर प्रोग्रेस इवेंट्स, इवेंट्स को जो प्रोग्रेस होता है उसको लिसन करने का, मीन्स उसको गेट करने का, और इंटरसेप्टर भी आया है दोस्तों इसमें, जिससे हम क्या करते हैं कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इंटरसेप्टर के लिए दोस्तों हम एक अच्छा सा वीडियो लेकर आए हैं, उसमें आपको समझाएंगे कि हम कि इंटरसेप्टर क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो इंटरसेप्टर भी लाया गया इसमें, जो कि हमारे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को भी मॉडिफाई कर देता है, राइट। और जब भी इसको यूज करना होता है दोस्तों, तो हमें क्या करना होता है, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करना होता है app.module.ts फाइल में, जो कि हमारे एंगुलर कॉम बैकस्लैश कॉमन डॉट HTTP लाइब्रेरी के अंदर होता है, राइट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें इस लाइब्रेरी के अंदर से हमें HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है, राइट। अब हमें एक चीज और बात आती है दोस्तों कि ये चीज बहुत नोट करने वाली चीज है कि जब भी हमें HTTP क्लाइंट मॉड्यूल यूज करना होता है, तो पहले हमें ब्राउज मॉड्यूल इंपोर्ट करना होता है, उसके बाद ही हमें HTTP क्लाइंट मॉड्यूल यूज करना होता है। मीन्स कि ब्राउज मॉड्यूल इंपोर्ट करने के बाद ही हम क्लाइंट मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि हम पहले HTTP क्लाइंट मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिए और उसके बाद ब्राउज मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे, तो इससे प्रॉब्लम आ जाती है एंगुलर में, राइट। मीन्स कि दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि सब ऊपर सबसे हम ब्राउज मॉड्यूल पहले इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद हम HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। देखते हैं इसका कुछ
कोड में कैसे हम करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि हमने ब्राउज मॉड्यूल को पहले यहाँ पर इंपोर्ट कर रखा है, हमने इसका स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहे हैं हम, तो उसके बाद हमने एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है। अगर हम इसको ऊपर करते हैं ब्राउज मॉड्यूल को नीचे लाते हैं तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए एंगुलर यही रिकमेंड करता है कि आप ब्राउज मॉड्यूल को पहले करें उसके बाद एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल को इम्पोर्ट करें। जैसे हम इम्पोर्ट करते हैं दोस्तों तो इसको हमें यहाँ पर डिक्लेरेशन एरे के अंदर भी हमें डालना होता है, यहाँ पर इंपोर्ट के अंदर हमें डालना होता है क्योंकि ये मॉड्यूल है। मीन्स कि दोस्तों जो भी हमें मॉड्यूल हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें इंपोर्ट्स के अंदर उसको डिक्लेयर करना होता है, रजिस्टर करना होता है, और हमारा कंपोनेंट होता है तो उसको हम डिक्लेरेशन के अंदर रजिस्टर करते हैं, राइट। और आपको सब ये सारे हमने बता ही रखा है पहले ही कि प्रोवाइडर के अंदर हम सर्विस रखते हैं, राइट। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसको इंपोर्ट करते हैं। जब भी हमें काम करना होता है एचटीटीपी क्लाइंट पर तो हमारा सबसे पहला वर्क होता है कि उसे हम एप डॉट मॉड्यूल और टीएस फाइल के अंदर एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करें और इंपोर्ट्स के अंदर उसको रजिस्टर कर लें, राइट, तभी हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर लिया तब हम एचटीटीपी क्लाइंट को इजीली यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, राइट। उसके बाद बात आती है दोस्तों कि एचटीटीपी क्लाइंट को इंपोर्ट करने के बाद हमें क्या करना होता है, एचटीटीपी क्लाइंट को अपने सर्विस के अंदर इंजेक्ट करना होता है, राइट। मीन्स कि हम रेडी हो चुका है, एचटीटीपी क्लाइंट हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हम सर्विस के अंदर जो हम सर्विस यूज करेंगे उसके अंदर हम यहाँ पर फिर एक बार एचटीटीपी के लाइब्रेरी के अंदर से एचटीटीपी क्लाइंट को इंपोर्ट करेंगे, जहाँ वहाँ पर हमने अपने मॉड्यूल टीएस फाइल में एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। और यहाँ पर हम एचटीटीपी क्लाइंट को इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद सर्विस में हम इसको इंजेक्ट कर लेंगे, राइट। तब हम सर्विस में इसको इजीली एचटीटीपी क्लाइंट को यूज कर लेंगे और हमारा एचटीटीपी क्लाइंट क्या करेगा, रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा आपका, राइट। उसके बाद बात आती है दोस्तों कि कौन कौन से रिक्वेस्ट होते हैं इसके, राइट। मीन्स कि कौन कौन से इसका मेथड होता है, गेट होता है, पोस्ट होता है। जैसे कि आपको बताया था कि हमें कोई भी डेटा अगर गेट करना होता है सर्वर से तो हम गेट मेथड यूज करते हैं, पोस्ट करना होता है जब हमें कोई सर्वर पर डेटा इंसर्ट अपडेट करना होता है तो हम पोस्ट मेथड यूज करते हैं, इंसर्ट करना होता है तो पुट होता है तो अपडेट करने के लिए होता है, डिलीट डिलीट करने के लिए होता है, हेड जो होता है मेटा डेटा को गेट करने के लिए होता है। इसी तरीके से पैच, ऑप्शन, जेसन, पी, ये सारे मेथड होते हैं एचटीटीपी क्लाइंट के जो मेन मेन मेथड है, राइट, इसको यूज करते हैं। और इसका कोडिंग कैसे करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि हमने यहाँ पर जो क्लास बना रखा है एचटीटीपी क्लाइंट उसके अंदर हम आप देख सकते हैं कि गेट के लिए यूआरएल डालते हैं जो कि स्ट्रिंग टाइप का, ये ऑप्शन होता है, ऑप्शन के अंदर भी बहुत सारे पैरामीटर होते हैं दोस्तों। उसके बाद ऑब्जरेबल, राइट, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सारे जितनी भी मेथड है उसमें हमने ऑब्जरेबल लगा रखा है, राइट। मीन्स कि ऑब्जरेबल क्या करता है कि आपके रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल करता है, हमने ऑब्जरेबल के साथ इसको अटैच कर दिया। ऑब्जरेबल के पास जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा अब जिस कंपोनेंट में यूज करना होगा दोस्तों वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं उसके रिस्पॉन्स को, इसीलिए हमने सारे मेथड के साथ ऑब्जरेबल लगा रखा है। मीन्स कि हमने ऑब्जरेबल सेट करके इस रिक्वेस्ट को भेज दिया और ऑब्जरेबल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है दोस्तों कि उसके रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल करेगा, राइट। ये चीजें एचटीटीपी में भी होती थी बट इसको और इजीली बनाया गया। क्या क्या बेनिफिट्स है आप यहाँ पर देख लीजिए कि एचटीटीपी क्लाइंट क्या करता है कि टेस्टेबिलिटी फीचर्स को इंक्लूड करता है जिसे टेस्ट करने में इजी होता है। टाइप रिक्वेस्ट आ गया इसमें, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आया हुआ है इसमें, राइट। उसके बाद रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स इंटरसेप्शन आ गया है, मीन्स के जैसे हमने बताया कि इंटरसेप्टर यूज करते हैं इसमें, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को दोस्तों हम बीच में ही मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। तो ये बहुत बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, मैं आपको बताऊंगा कि दूसरे वीडियो में। उसके बाद ऑब्जरेबल एपीआई आ जाए इसमें और एरर हैंडलिंग भी इजीली हो जाता है इसमें एचटीटीपी क्लाइंट के अंदर। तो ये सारी चीजें होती है दोस्तों एचटीटीपी क्लाइंट को कैसे यूज करते हैं, कौन कौन से मेथड होता है और क्या बेनिफिट्स है, तो ये सारी चीजें दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। आई थिंक आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि एचटीटीपी क्लाइंट क्या होता है। फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो दोस्तों तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें ताकि हम आपके क्वेश्चन और कन्फ्यूजन को दूर कर सकें और क्वेश्चन का आंसर दे सकें अगले वीडियो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और लोगों में शेयर करिए ताकि सबको देखने को मिले, जिससे कि हमारा मनोबल और भी बढ़ता है और हम नए नए वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।